आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कैथल में सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा रहा है। इस योजना के तहत सालाना 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। कैथल से विधायक लीला राम ने कहा कि इस योजना को इस तरह बनाया गया है कि जब बेटी बड़ी होती है तो माता पिता को इतनी राशि मिल जाती है कि उसकी उच्च शिक्षा और शादी बोझ नहीं लगती, इसलिए इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। डाक विभाग ने अधीक्षक ताराचंद शर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति जिसकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है उसके लिए एक खाता खुलवाकर रुपए जमा करवाकर लाभ उठा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आज पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार के महोत्सव के रूप में उनको मनाया जा रहा है और मैंने बड़े अधिकारियों से जब बात की उन्होंने स्कीम के बारे में बताया कि पहले 1000 रुपये महीना इसमें जमा कराना होता था परंतु 250 रुपये से खाता खुलता था। अब उस स्कीम को और सरल बना करके गरीब से गरीब आदमी की पहुंच तक इस सुकन्या समृद्धि योजना को लाने का काम भारत सरकार ने किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये सुकन्या समृद्धि योजना का जो महोत्सव है आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में वो मनाया जा रहा है। इसमें 10 साल तक की लड़कियों के सुकन्या समृद्धि के खाते खोले जा रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लाभार्थियों ने बताया कि इस योजना के तहत हम हर वर्ष कुछ राशि जमा करवाकर बेटी के बड़ा होने पर अच्छी रकम हासिल कर सकते हैं, इसलिए सभी को इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। को मतलब जब खाता खुलवाया है तो 14 साल तक करवानी है तब से, और फिर 21 साल के बाद शादी में निकल जाएंगे। 14 साल तक उसने पैसे जमा करने हैं, 250 रुपये से ये खाता खुल जाएगा और उसमें आप साल में 1000 गवर्नमेंट कहते हैं कि कंपलसरी है। अगर हम मंथली गुड़िया के लिए 100 रुपये ही बचाते हैं तो साल में 1200 रुपये बैठते हैं, और जैसे खुले खाते की तरह जितने मर्जी आप जमा करते रहो 14 साल तक जो आप जमा करोगे उसके साथ गवर्नमेंट ब्याज के साथ आपको 21।